हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 8 मार्च 2020 के जो कि संडे का एक्सप्लेन्ड पेपर है, एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल्स, इसमें आए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे पहले एडिटोरियल्स, वो है क्रिप्टो रिलीफ। देखो, क्रिप्टो करेंसी की बात पहले भी हो रही थी 2-3 दिन से, और अब भी हो रही है। वजह ये है कि आरबीआई ने बेसिकली शुरुआत की थी 2018 में, जब एक सर्कुलर इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसमें इसने कहा था कि जो भी वर्चुअल करेंसीज़ में बैंक डील कर रहे हैं या लोग डील कर रहे हैं, उनको रोका जाए। कहने का मतलब कि अगर आप वर्चुअल करेंसीज़ में डील कर रहे हैं, तो बैंक और इंस्टीट्यूशंस आपको कुछ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। वर्चुअल करेंसीज़ एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंतर्गत क्रिप्टो करेंसीज़ भी आती है, ध्यान रखना। वर्चुअल करेंसी के ऊपर अगर मैं एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की जोड़ दूं, तो क्रिप्टो करेंसी हो जाती है, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। उसकी कोई, जैसे अपना पैसा है, अपने नोट छपते हैं, जो उनको आरबीआई छापता है, आरबीआई उसका कंट्रोलर है पूरा। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कंट्रोलर नहीं होता। आरबीआई चाहे तो पैसे वापस बुला सकता है, वैल्यू घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक्सचेंज रेट उसके हाथों में है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में कोई एक रेगुलेटर नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी को जो माइंट करते हैं, जो छापते हैं, जो कंप्यूटर में ये माइंट होते हैं, बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी, और एक नहीं होता, कई सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कोई भी कर सकता है इनको, लेकिन रेगुलेट नहीं कर सकता। केवल आप इनको छाप सकते हो, बदले में कुछ आपको फीस मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपका बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। अब इसी बिटकॉइन की वैल्यू कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है। इसकी वजह से कई लोग एक एक साल में अरबपति हुए, अरबपति, अरबों रुपए कमाए हैं बच्चों ने 14-14, 16 साल के बच्चों ने एक एक साल में अरबों रुपए कमाए बिटकॉइन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये एक साल में इतना बढ़ गया था, फिर एक साल बाद वापस नीचे आ गया, तो पैसा डूबा भी है लोगों का, पैसा बढ़ा भी है। तो प्योरली स्पेक्युलेशन इस पे लगता है, केवल जो स्पेक्युलेटिव मोटिव इसके पीछे होता है, और इसका प्राइस कंट्रोल नहीं होता। तो इसकी वजह है कि इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे मैं अब बिटकॉइन की अगर डिमांड बढ़ी, लोगों को सोचे यार इसमें पैसा लगाओ, इसमें पैसा लगाओ, इसमें पैसा लगाओ, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर जब पैसा हटाना कर देते हैं लोग शुरू, तो डर के मारे और भी शुरू कर देते हैं, तो शेयर गिर जाए। जैसे शेयर गिर जाते हैं कंपनियों के, वैसे बिटकॉइन की वैल्यू भी गिर जाती है। तो ना कोई इसको बैंक कंट्रोल करता, ना इसको कोई बैंक मिंट करता। अब आरबीआई को से दिक्कत क्या थी? आरबीआई को से दिक्कत ये थी कि जब रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में नहीं है, तो इससे जो है टेररिस्ट फंडिंग भी हो सकती है, हो सकता है गलत कामों की फंडिंग भी हो सकता है स्पेकुलेशन पे ही बेस्ड है, तो बच्चे भी करने लग जाए। भाई 14-14 साल के, 12-12 साल के, 15 साल के बच्चे अगर करेंगे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी क्या? उनकी जो करियर, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो प्योरली स्पेकुलेशन करेंगे, सट्टाबाजी जिसको मैं कह रहा हूँ। तो आरबीआई ने 2018 में सब चीज़ें देखते हुए इन पे जो है वर्चुअल करेंसी पे बैन नहीं लगाया था। बैन तो आरबीआई की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, आरबीआई की नहीं, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, जिसने कहा था क्रिप्टो करेंसी बैन हो जानी चाहिए। तो बैन तो आरबीआई ने नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने कुछ रूल्स इस पे लगा दिए। मतलब अब इसको देखते हुए जो कुछ एसोसिएशंस थे, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा भी लगाया हुआ था, बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी थे, उन्होंने आरबीआई के सर्कुलर को चैलेंज किया। सर्कुलर में, यानी कि आरबीआई के ऑर्डर में, आरबीआई ने मना किया था बैंक्स को कि जो भी इंडिविजुअल्स वो क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहे हैं, या जो भी इंडिविजुअल्स क्रिप्टो करेंसी में आपके पास, जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन अगर मेरे पास मान लो 100 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन पड़े हैं, तो मैं उसको रुपये में कैसे ला सकता हूँ? मैं बैंकों के द्वारा ही तो ला सकता हूँ। और बिटकॉइन में कन्वर्ट, रुपीज़ को बिटकॉइन में कैसे कर सकता हूँ? बैंकों के द्वारा ही कर सकता हूँ। तो आरबीआई ने कहा कि बैंकों को, कि अगर आपके पास कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, तो उनको कुछ रेंज ऑफ सर्विसेज बंद कर दो, उनको मत दो। अब उसमें मेंटेनिंग अकाउंट्स, रजिस्ट्रिंग, ट्रेडिंग, सेटलिंग, लोन्स, टोकन्स, कोलेट्रल के रूप में उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, एक्सचेंज अकाउंट जो है ओपन करने से मना कर दिया। तो कई चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मना किया कि ये चीज़ें जो हैं, आप ये जो सर्विसेज हैं, बैंक इन
लोगों को नहीं देंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। पिटीशन गई कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने कहा, लोगों ने कहा कि आरबीआई की सर्कुलर की वजह से करेंसी एक्सचेंज जो है बंद हो रहे हैं, और किस तरीके से किसी के पास लाखों करोड़ रुपए जो पड़े थे बिटकॉइन के रूप में, एक्सचेंज के रूप में। भाई पैसा जो है, जैसे हमारा एक्सचेंज होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बीएससी, अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसमें पैसा रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपको बैंक चाहिए। जैसे आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो कंपनी के शेयर में जो आप पैसा लगा रहे हो, कंपनी के शेयर को जब आप बेचते हो, तो पैसा कहाँ से आता है? वो बैंकों से द्वारा ही सब होता है रेगुलेट। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारे इतने रुपए पड़े थे जो एक्सचेंज में, वो डूब गए। भाई आरबीआई ने मना कर दिया बैंकों को हमारी सर्विस देने के लिए। और पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि आरबीआई की पावर क्या है वर्चुअल करेंसी के ट्रेड करने में, इसको प्रोहिबिट करने में आरबीआई की पावर क्या है? भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, एक्सचेंज के मामले में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सब मिला के एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज मिलाते हैं, तो इसमें आरबीआई अकेले ही कैसे कर दिया? हाँ, तो यहाँ पे जो है पिटिशनर्स ने इस सर्कुलर को ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिटी के नाम पे भी जो है चैलेंज किया। अब लैक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली ये चीज़ आपको जो है कश्मीर वाले केस में भी सुनी होगी, जब आपने देखा होगा कि हाल ही में जब कोर्ट ने कहा कि कश्मीर पे जो इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन है वो हटाए जाए, क्योंकि और इस तरीके के जो मेजर्स लाए जाए जो काफ़ी इंट्रूसिव नहीं हो और प्रोपोर्शनलिटी वाले जो मेजर है उसको मैच करते हो। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप करना चाहते हो आप उस तरीके का ही एक्शन करो, यानी आप जो भी एक्शन कर रहे हो और आपका जो गोल है दोनों मिलने चाहिए। आपके एक्शन में जो अचीव हो रहा है वो वास्तव में आप जो चाहते हो वो अचीव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने इस पे बैन तो लगा दिया सिक्योरिटी एक्सचेंज में, लेकिन मतलब सर्विसेज तो बंद कर दी, लेकिन वो चाहता था कि क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है वो रुक जाए, तो रुका तो फिर भी नहीं, सर्विसेज तो बंद की थी। तो आरबीआई इसको रेगुलेट करने वाली जो चीज़ थी वो तो की नहीं, और उसकी जगह इसको जो है सर्विसेज एक्सटेंड करना बंद कर दिया इंडिविजुअल्स को। सेंट्रल सेंट्रल बैंक की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अपने फायदे के लिए तो बंद ही नहीं। आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी को 2013 में डिफाइन किया था, जिसमें इसने कहा था कि एज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय इट डेवलपर्स यूज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक वर्चुअल कम्युनिटी। एक अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी है, इसको छापने वाले बनाने वाले ही इसको कंट्रोल करते हैं, और ये स्पेसिफिक वर्चुअल कम्युनिटी के द्वारा ही इसमें ये एक्सेप्टेड होता है। जैसे जो लोग बिटकॉइन में डील करते हैं वो बिटकॉइन में जाके सामान भी खरीदते हैं बाहर से, विदेशों की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन से वो होम प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं। दिक्कत क्या है कि अगर इसको छापने वाले जो लाखों हैं दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी कोई भी छाप सकता है, एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लेना पड़ता है, उसमें जो है सुपर कंप्यूटर लेने के बाद उसमें जो है कोई भी आप छाप सकते हो, आप बना सकते हो बिटकॉइन, आपको कुछ पैसा उसमें मिल जाएगा। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है ना भाई, अपने देश में क्या हर कोई पैसा छाप सकता है क्या? आरबीआई कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, कोई बैंक ही नहीं है, कोई ना वही यूएसए का फेडरल रिजर्व इसको कंट्रोल कर सकता, ना हमारे देश का आरबीआई इसको कंट्रोल कर सका। तो जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, और मॉनिटरी जो सिस्टम्स हैं आरबीआई वगैरह जो बैंक्स हैं इनके लिए बहुत बुरी बात थी। तो आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी प्योरली निभाते हुए और इसको स्पेकुलेटिव मोटिव बताते हुए कि ये तो सट्टा है भाई, बिटकॉइन की जैसे जैसे डिमांड बढ़ जाती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड घट जाती है प्राइस घट जाती है, प्योरली स्पेकुलेटिव है ये, और पूरे रास्ते में जो है ये वोलेटाइल ही रहा है इसकी पूरी जर्नी में अब तक जब से आया है ये। तो यहाँ पे ना कोई देख सकता है कि कितना पैसा कौन भेज रहा है, कौन सा आदमी है, ना उसकी कोई लोकेशन ट्रैक हो सकती, ना उसकी कोई डिटेल पता ही जा सकती। तो पूरा ये सिस्टम एनोनिमस है, सेंट्रल बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, मिसयूज भी इसका किया जाता है, टेररिस्ट ऑपरेशंस के तौर पे भी इसको मिसयूज किया जा सकता है, मॉनेटरी सिस्टम को ये अंडरमाइन करेगा इसका ये डर था,
और पॉलिसीज इनफेक्टिव बना देगा, ये आरबीआई का डर था। और ये सारे डर ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास ही था, दुनिया भर में जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम थे, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ये डर था। आरबीआई ने केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो लोग जो आरबीआई पे गुस्सा निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा भी एक, कुछ लोग कह रहे थे कि यार भाई बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम क्रिप्टो करेंसी क्यों रेगुलेट कर रहे हो। आरबीआई ने जो है पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी जो है नहीं निभाई, लेकिन फिर भी आरबीआई का इंटेंशन जो है हम गलत नहीं बता सकते। हालांकि कोर्ट ने जो है आरबीआई की सारी बातों को ठुकराते हुए पिटिशनर्स की बात मानी और कहा कि आरबीआई का जो सर्कुलर है 2018 का वो गलत है, और हमको जो है यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही जिसकी वजह से हम आरबीआई के इस मेजर को प्रोपोर्शनेट बता दे, सही बता दे, बिल्कुल करेक्ट बता दे। क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमको एक भी फैक्ट ऐसा नहीं मिला या आरबीआई ने ढंग से बताया नहीं कि क्यों क्रिप्टो करेंसी की वजह से इसकी पॉलिसीज़ पे, इसके पावर पे, या इसकी जो एंटिटी जो रेगुलेट करता है, जो बैंक वगैरह जो रेगुलेट करता है, उन पर असर पड़ा है। वर्चुअल करेंसी बैन नहीं हुई थी, वर्चुअल करेंसी अभी भी ट्रेड की जा मतलब जो है एक्सचेंज पर ट्रेड की जा सकती थी, लेकिन बैंक से सर्विस बंद हो जाती थी। तो कुल मिला के जो है क्रिप्टो करेंसी की लाइफलाइन कट कर दी गई थी बैंकिंग सेक्टर से, और कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेंट्रल बैंक का अचीव एक गोल था कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, तो वो तो गोल इससे जो है नहीं हो पाया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब कुछ जो सेंट्रल बैंक, बेसिकली कुछ लोग प्रश्न उठा रहे थे कि आरबीआई कैसे कर सकता है वर्चुअल करेंसी को प्रोहिबिटर रेगुलेट, तो कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक के पास पूरी पावर है कि वो वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट और प्रोहिबिट कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एनीथिंग जो हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक खतरा पेश करती है या प्रभाव कर पे डालती है, उसको रेगुलेट प्लस प्रोहिबिट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। फिर चाहे आप कितनी भी बातें कह दो कि वो चीज़ क्रेडिट सिस्टम या हमारे पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, या उसको अफेक्ट, या उसका जो है अंदर जुड़ी हुई नहीं है, जैसे वर्चुअल करेंसी हमारे पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को अगर खतरा है, अगर टेररिस्ट फंडिंग होती है, तो आरबीआई हैज़ द रिक्विजिट पावर टू बैन इट और टू रेगुलेट इट। विल रिलीफ फॉर द क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बी शॉर्ट लिव्ड? लोगों में शांति आई, जो लोग बिटकॉइन में डील कर रहे थे सबको लगा कि बस अब तो जो है जन्नत मिल गई, लेकिन क्या ये जो रिलीफ है ये शॉर्ट टर्म के लिए है? क्वाइट लाइकली हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने, भाई आरबीआई ने जो है क्रिप्टो करेंसी पे बैन किसके एडवाइस पे लगाया? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के एडवाइस पे, और बैन भी नहीं लगाया, कुछ सर्विसेज एक्सटेंड करने से मना कर दिया बैंकों को। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की ये जो बात थी आरबीआई के दिल में अभी भी बसी हुई है, और आरबीआई जो है पीछे नहीं हट रहा। पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी आरबीआई है, वो अभी भी अपनी दिशा चेंज नहीं करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स में तो रिपोर्ट किया था कि आरबीआई अब रिव्यू पिटीशन डाल रही सुप्रीम कोर्ट में, तो ये केस जो है बड़ा होने वाला है। अब रिव्यू पिटीशन जाएगी तो देखो क्या होता है। व्हाई डिड यस बैंक हैव टू बी बेल्ड आउट? देखो यस बैंक की जो आपके सामने जो है, अच्छा एक तो ये यस बैंक की वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन न्यूज़ में आ रहा है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली कोई भी बैंक अगर डिफॉल्ट होता है या लगता है कि इसके एनपी बढ़ रहे हैं, तो एक क्राइटेरिया होता है उसके तहत जो है आरबीआई उसको, उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ला सकता है। यस बैंक को अभी पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है तो क्या होगा? आरबीआई जो है इसके डिविडेंड पे, नए ब्रांचेस खोलने पे, इंटरबैंक लोन लेने पे और कई चीज़ों पे जो बैन लगा सकता है, और दूसरे बिजनेस में पैसा लगाने पे इस पे बैन लगा सकता है, लैंडिंग पे, डिपॉजिट्स पे, कई जगह जो है बैन लगा सकता है। तो इसमें कई कड़े मेजर्स हैं जो आरबीआई अपना सकता है। हालांकि इसकी दिक्कतें भी हैं कि इन मेजर्स की वजह से बैंक का इमेज डूबती है, बैंक के शेयर गिर जाते हैं, बैंक की जो है
पूरा आप कह सकते हैं कस्टमर्स डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल देश के फाइनेंशियल सिस्टम पे जो है फियर आता है और देश की इमेज ख़राब होती है कि देश में ऐसे जो यस बैंक जैसे फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक कैसे डूब रहे हैं, क्योंकि एक बैंक डूबता है तो कई बैंकों के उसके कनेक्शन रहता है तो वो भी जो है डूबने का खतरा रहता है। हालांकि सरकार तो कह रही है कि केवल यस बैंक के साथ गड़बड़ी थी, लेकिन एक क्रेडिट ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी है वो कह रही है कि नहीं, हमारे फाइनेंशियल जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा भारत का, उसमें ही गड़बड़ी। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम मतलब एक ऑर्डर इशू किया इस बैंक पे कि 3 अप्रैल तक जो है 50,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। और आरबीआई ने जो है इस यस बैंक के जो बोर्ड थी उसमें अपनी जो है सुपर सीड कर लिया, मतलब खुद को जो है बैंक बोर्ड की जगह डाल दिया और प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया यस बैंक का, जो कि पहले SBI में थे। तो प्रिलिम्स में ये नहीं आएगा। प्रिलिम्स में देखो, एक तो बच्चों को ये नहीं पता प्रिलिम्स में आएगा क्या। देखो तो प्रिलिम्स में पता लगाने के लिए क्या आएगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो सिलेबस है आपका वो देखना पड़ेगा। एक तो ऐसी चीज़ जिसका नेशनल इफेक्ट हो, नेशनली जिसका इफेक्ट हो। अब कुछ बच्चे जो है ये सोच लेते हैं कि अच्छा प्रशांत कुमार है, तो प्रशांत कुमार याद रख लो कि इनको जो है अपॉइंट किया गया है जो यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, पहले SBI में काम करते थे। ये चीज़ आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि नेशनल इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। बैंक अगर डूबता है तो वो नेशनल इफेक्ट करता है, लेकिन बैंक में कौन अपॉइंट हो रहा है ये नेशनल इफेक्ट थोड़ी करेगा। ये तो आपके SSC में और कई बैंकों में आते हैं, कई एग्ज़ाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो UPSC की पढ़ाई करने वाले केवल उन चीज़ों को देखें जो नेशनली इफेक्ट कर रही है चीज़ें। मिस्टर कुमार ने SBI से रिजाइन करना पड़ा यस बैंक में जाने के लिए। अब जब मेमोरेटोरियम लगा दिया 50,000 का, 50,000 तक का जो है यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद जो है उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। और 24 घंटे के बाद RBI ने जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ला दी, जिसके अंदर 49% तक मैक्सिमम स्टेक SBI उसमें खरीद लेगा। खरीदने का मतलब क्या, SBI उसमें पैसा देगा, शेयर ले लेगा, पैसा जाएगा यस बैंक में, तो कुछ होएगा, पैसा जाएगा, फ्लो बनेगा, तो बैंक में जो है नई जान आ जाएगी। मोरेटोरियम इम्पोज क्यों किया, यस बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत तेज़ी से गड़बड़ा रही थी, क्योंकि ये जो है कैपिटल नहीं उठा पा रहा था, लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे तो उसकी क्रेडिट जो रेटिंग थी वो गिर रही थी। तो एक साइकिल में फंस गया बैंक, इसकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई, लोग जो है इसको लोन नहीं दे रहे, बदले में डिपॉजिट नहीं कर रहे, बैंक की इमेज गिर गई, बैंक जो है इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं उठा पा रहा, और बदले में जो इनको लोन ले रखे हैं वो लोन नहीं चुका पा रहे, तो एक विशेष साइकिल में फंस गया। और पूरी तरीके से जो है इसकी गवर्नेंस में दिक्कत आने लग गई। RBI ने कहा कि इस बैंक में गवर्नेंस इश्यूज भी थे और काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिक्कतें फेस कर रहा था, जिसकी वजह से बैंक में जो है ये स्टडी डिक्लाइन आई है। अब इस बैंक को ऐसा नहीं है कि बैंक को जो डायरेक्ट हम पैसा दे रहे हैं, बेल आउट जो पैकेज हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हाथों में जाके पैसा दे रहे हैं, नहीं। SBI अगर खरीदता है 49% तक इसके शेयर, तो SBI को जो है पैसा देना पड़ेगा, और इसके बदले में जो पैसा जाएगा अब इसको उस पैसे का ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो कि SBI कब तक ये करेगा, SBI कितने बैंकों को करेगा, आज तो यस बैंक है, कल ने कोई और बैंक डूबा तो SBI उसको भी करेगा क्या, SBI कितना पैसा SBI के पास है, कोई तो बैंक छोड़ दो जो प्रॉफिट में जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इस वजह से जो है ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसको सरकार का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा क्रेडिट रिवाइवल प्लान यहाँ पे ला दिए। NPS का पूरी तरीके से बढ़ रहा था पिछले 5-6 सालों में, इसका जो MD थे उनको भी जो है हटा दिया गया था, उनको भी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा अरेस्ट कर लिया। तो बेसिकली 50,000 तक का जो है विड्रॉल यहाँ पे RBI ने अलाउ की है, उसके ऊपर नहीं करोगे। हालांकि कोई इमरजेंसी आती है, कोई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, या आपके किसी रिलेटिव को लेना है, या आपके एजुकेशन की कॉस्ट है, आपके किसी रिलेटिव की एजुकेशन की कॉस्ट है, या कोई भी जो है मैरिज से रिलेटेड पैसा है तो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ है। अब जो है RBI इसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन प्लान लाया है, और रिकंस्ट्रक्शन प्लान में जो है देखते हैं RBI किस तरीके से काम करता है। वैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है, फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, बस ये ज़रूरी था। हाउ इज़ इंडिया कंटेनिंग COVID-19, भैया बात हो रही है सरकार काम क्या कर रही है हमारे देश में COVID-19 को हराने के लिए, और बेसिकली इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया है। लिटिल नोन अबाउट द नोवल कोरोना वायरस,
कोविड 19 के बारे में हमको बहुत कम पता है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये भी नहीं पता, और इसके जो है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, यूनोमिया न्यूमोनिया ये कर सकता है, काफ़ी खतरनाक बीमारी कर सकता है। अब यहाँ पे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, कफ, नाक बह रही है, आपकी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, अब ये चीज़ प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बेसिकली अगर दोबारा ऐसा वायरस ना हो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, इसमें हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, हमको खुद का हेल्थ सिस्टम चेक करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अब ये तो आपके सिटीजन हो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी और आर्मी को भी जो है लगाया है लोकेशंस में, और बेसिकली मिनिस्ट्री ने जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कहा है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज़ रखो, भाई कलने को कोई अगर आ गया कोरोना वायरस से पीड़ित तो उसको सबके साथ तो रखेंगे नहीं, वरना सबको हो जाएगा, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ रखो और एडुकेट सप्लाई हो गियर की, मेडिसिन की, एसेंशियल सर्विसेज की, भाई जो गार्ड है हॉस्पिटल में, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी तो मास्क प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है बनाया गया है यहाँ पे एज ए नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब एक तरीके से काम वही करेगा। अब तक जो है 7,26,000 पैसेंजर्स स्क्रीन कर चुके हैं, 7,108 फ्लाइट से, और यहाँ पे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स, उनको सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करना पड़ रहा है जिसमें बताना पड़ रहा है कि भाई उनको कोई बीमारी है, अगर नहीं भी बताए तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है जिसमें अगर उनको अगर लगता है कि ठीक है, अगर दिक्कत है कोविड 19 है तो राम मनोहिया लोहिया हॉस्पिटल या सरदारगंज हॉस्पिटल भेज देते हैं, अगर फीवर है तो फीवर में जो है 14 दिन तक का टाइम होता है, उनको जो है चेक किया जाता है, 14 दिन में उनको दो बार चेक किया जाता है, फीवर होता है तो अगर क्योंकि 14 दिन जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोविड 19 का, मतलब 14 दिन तक जो है सिम्टम पता नहीं चलता लेकिन 14 दिन के बाद पता चल जाते हैं, तो 14 दिन में दो बार उनको चेक किया जाता है। ये है इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे WHO कह रहा है कि हम जो है दुनिया के सारे डॉक्टर्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मिले हुए हैं और ये चेक कर रहे हैं किस तरीके से कोविड 19 को रोका जा सकता है। वैसे जो मोस्ट पेशेंट्स हैं वो खतरनाक जो बीमारी उन्होंने दिखाई वो केवल 14% थे और कम जिनको बीमारी हुई इससे 80% थे और 5% तो जो बहुत खतरनाक उनको बीमारी, तो 5% क्रिटिकल इल, 14% सीवियर, फिर 80% मिल्ड इलनेस। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस भैया ये है, एक तो लोकल ट्रांसमिशन रोकना, भाई अगर किसी को भी नेगेटिव आता है कोरोना वायरस, कोई अगर फीवर भी होता है नॉर्मल, तो उसको 14 दिन बाद दोबारा आना पड़ता है, तब तक वो अगर कितने लोगों कर दे कोई पता नहीं, और अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाता है 14 दिन के बाद तो फिर वो जहां जहां गया उन कॉन्टैक्ट्स को खोजना पड़ता है और कॉन्टैक्ट्स को खोजना बहुत मुश्किल का काम है। मिनिस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज ए नोडल ऑफिसर डिजाइनेट किया इन चीज़ों के लिए कि भाई वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पता लगाएगा कि हॉस्पिटल्स में है पूरी सप्लाई, बफर जोन बनाएगा, और जो है मिनिस्ट्री ने 24/7 कंट्रोल रूम भी जो है लगाया है यहाँ पे जिनमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं। अच्छा, टेस्टिंग लैब्स में जो सरकार कह रही है कि लैब्स में जो है हम काफ़ी काम कर रहे हैं और लैब्स की जो है यहाँ पे पावर बढ़ा रहे हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पर्सन को टेस्ट कब करवाना चाहिए, जब उसको लगे कि भैया या तो फीवर है या गला ख़राब है, नाक बह रही है, और स्पेशली अगर वो किसी दूसरे देश से आया हो, चाइना, हांगकांग, तो कराना ही चाहिए। इंडिया के पास लैब रिक्वायरमेंट्स रेडी हैं, मेडिसिंस रेडी हैं, बिल्कुल इंडिया के पास जो है कह तो रहे हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी कई सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो पूरे प्रोसीजर्स हैं वो रेडी हैं, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वो भी जो है पूरी तरीके से एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और बेसिकली इसमें जो चीज़ें, और मिनिस्ट्री ऑफ हमारे मिनिस्टर जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के हैं वो भी कह रहे हैं कि देखो हमारी दवाइयों के 80% रॉ मटेरियल चाइना से आता था, दवाइयाँ जो बनती ना हमारी भारत में 80% रॉ मटेरियल चाइना से आता था, अब चाइना में सप्लाई डिसरप्ट हो गई तो सरकार से सवाल पूछा हमने, अब दवाइयाँ कैसे बनेगी, तो सरकार ने कहा 3 महीने तक का हमारे पास रॉ मटेरियल है, एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया। किन चीज़ों का, एक्टिव फार्माटिकल इंग्रेडिएंट्स का, ये हर दवाई में होता है, एक्टिव फार्माटिकल इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 3 महीने तक है, एक्सपोर्ट हमने इसका बंद कर दिया ताकि डोमेस्टिक सप्लाई में दिक्कत नहीं हो। हेल्थ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भैया हाथ ढंग से धो, छींक रहा है पर्सन, बुखार है, फीवर है, तो 1 मीटर तक की दूरी बनाए रखो, 3 फीट की दूरी बनाए रखो, और अगर किसी पर्सन को ऐसी दिक्कत हो रही है तो अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन ले, कोई भी पैनिक होने की दिक्कत नहीं है, और मास्क यहाँ पर खरीद लो।
गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।